इस सेगमेंट में हम उन्नाव गैंगरेप कांड की बात करेंगे। सुबह करीब 4:15 बजे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, सीबीआई ने क्या क्या कार्रवाई की, उस पर विस्तार से बात करेंगे। उन्नाव गैंगरेप कांड में कल सबसे अहम दिन है। कल सीबीआई पीड़ित लड़की और उसके परिवार का आमना सामना आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से कराएगी। सीबीआई ने किया जाएगा, इसके लिए दोनों को सीबीआई आमने सामने बिठाएगी। सीबीआई ने पीड़ित लड़की और उनके परिजनों को लखनऊ आने को कह दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर पहले ही लखनऊ में सीबीआई की कस्टडी में है। द्वारा कलम लखनऊ जाएगा। अब आप लोग यहाँ कब तक रहेंगे? अग्रिम आदेश तक तो यहाँ रहना पड़ेगा। लखनऊ जाएंगे जी, टीम को वहाँ जाके अपने बैग में देंगे लखनऊ जाके वहाँ। नहीं, टीम ने हमें लखनऊ बुलाया है, किस कारण से बुलाया ये हमें नहीं पता। आपको यहाँ के पूरे परिवार से ही चाहेंगे? नहीं, हमें बुलाया, पीड़िता को बुलाया, पीड़िता की माँ को बुलाया, पीड़िता को भी यहीं रखा। सीबीआई ने केस को हाथ में लेते ही देर रात से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी और एफआईआर दर्ज करते हुए पहला एक्शन आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लिया। आज तड़के 4:11 पर सीबीआई की टीम लखनऊ के इंदिरा नगर में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर पहुंची। सुबह 4:28 पर सीबीआई कुलदीप को अपने दफ्तर लेकर आई। सुबह 4:45 से सीबीआई के 7 अफसरों ने कुलदीप से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जो घंटों तक चला। इस पूरे मामले में सीबीआई ने 3 FIR दर्ज की है। पहली FIR में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह का नाम है। ये वही शशि सिंह है जिन पर पीड़ित लड़की को विधायक के घर लाने का आरोप है। इस FIR में कुलदीप पर रेप और अपहरण करने के मामले दर्ज है। दूसरी FIR कुलदीप के 4 सहयोगियों पर दर्ज की गई है। वहीं सीबीआई ने तीसरी FIR विधायक के परिजनों के बयान पर पीड़ित लड़की के पिता पर दर्ज की है, जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि पीड़ित के पिता की मौत विधायक के भाई और उसके गुर्गों की पिटाई के बाद हो गई। सीबीआई ने तड़के सुबह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया है और हम आपको बता दें कि इस समय लखनऊ का जो सीबीआई का मुख्यालय है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सीबीआई का मुख्यालय है और यहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर को रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर से प्रारंभिक स्तर पर पूछताछ कर ली गई है। हम आपको ये भी बताते चले कि सीबीआई ने पूरी तरीके से जांच अपने पास ले लिया है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से ले लिया है। पंकज मंडल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अब हम आपको बताते हैं कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से सीबीआई की टीम ने क्या क्या सवाल पूछे। इंडिया न्यूज के पास सवालों की वो पूरी लिस्ट है। सीबीआई ने कुलदीप से पहला सवाल पूरी घटना को लेकर पूछा। दूसरा सवाल था कि गैंगरेप की वारदात के वक्त वो कहां थे। तीसरा सवाल था वायरल ऑडियो के बारे में आप क्या कहेंगे। चौथा सवाल था घटना के वक्त आपके भाई अतुल सिंह कहां थे। पांचवा सवाल था पीड़ित परिवार को आप कब से और कैसे जानते हैं। छठा सवाल था क्या घटना के बाद आपने थाने में फोन कर मामला दबाने की कोशिश की। सातवां सवाल था कि अस्पताल में जबरदस्ती आपके कहने पर पीड़ित के पिता का बयान पर अंगूठा लगवाया गया। आठवां सवाल था क्या पीड़ित लड़की कभी आपके घर आई है। नवां सवाल था पीड़ित की पहली FIR की जानकारी आपको क्या तब हुई थी जब आरोपी लड़के उनसे मदद मांगने पहुंचे थे। दसवां सवाल था क्या शशि सिंह का आपके घर आना जाना था। ग्यारहवां सवाल था माखी गांव में मारपीट की घटना कब हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बारहवां सवाल था मारपीट के बाद दोनों तरफ से हुई FIR में जो अज्ञात लोग बताए गए हैं वो कौन कौन है। तेरहवां सवाल था आपको क्यों लगता है कि आपके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है और ऐसा करने वाले कौन नेता है। गांव में क्या आपकी किसी से भी दुश्मनी थी। 15वां सवाल था मारपीट और गैंगरेप की घटना के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुए। अगला सवाल था आपके भाई अतुल ने जो मारपीट की क्या उसके बाद आपने जानबूझकर पीड़ित परिवार पर मुकदमा लिखवाया था। उसका अगला सवाल था 17वां पीड़ित के पिता की पिटाई क्या आपके या आपके भाई अतुल के कहने पर हुई थी। पीड़ित के पिता की मौत की खबर आपको कब मिली और आपने क्या किया। 19वां सवाल था क्या पीड़ित के पिता की मौत के बाद आपने अपने लोगों को बुलाकर घटना को अलग रंग देने की कोशिश की।
20वां सवाल था, जब मामला पुलिस के पास था तो किसके कहने पर आप गिरफ्तारी देने एसएसपी के पास पहुंचे थे? और 21वां सवाल था, क्या आपने घटना को तोड़ने मोड़ने की कोई कोशिश की है? उन्नाव गैंगरेप कांड को लेकर आज सीबीआई की टीम ने लखनऊ से लेकर उन्नाव और उन्नाव से लेकर माखी गांव तक की खाक छानी। तड़के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की एक टीम उन्नाव पहुंची। उन्नाव के होटल में पीड़ित से पूछताछ करने के बाद पीड़ित के गांव माखी गांव में भी सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई के अधिकारी माखी थाने भी पहुंचे और जांच पड़ताल की। सीबीआई ने माखी थाने के निलंबित एसओ अशोक भदौरिया, हल्का पुलिस चौकी इंचार्ज केपी सिंह के अलावा 4 सिपाहियों को हिरासत में लिया है। इन सभी निलंबित 6 पुलिसकर्मियों को लखनऊ लाया गया है। माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीबीआई उन्नाव के जिला अस्पताल भी गई, जहां पीड़ित के पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सीबीआई की टीम ने उन्नाव के होटल में रह रही पीड़ित लड़की और उसके परिजनों से आज पूछताछ की। सुबह 10 बजे सीबीआई की एक टीम होटल पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने पीड़ित लड़की के साथ साथ उसकी बहन, उसके चाचा और उसकी दादी से पूछताछ की। सीबीआई ने इन सभी से अलग अलग पूछताछ की। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक करीब 8 घंटे तक पीड़ित परिवार से सीबीआई की पूछताछ चली। पीड़ित ने 4 जून 2017 से लेकर अभी तक का पूरा घटनाक्रम सीबीआई को बताया। सीबीआई को पीड़ित परिवार ने कई अहम सबूत भी सौंपे। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सीबीआई को दी गई, जिसमें आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़ित के चाचा को फोन कर धमकी दी थी। जो घटनाक्रम है शुरू से लेकर अब तक का, उस घटनाक्रम के बारे में सीबीआई ने पूरी पूछताछ की है। हमारे बयान अलग हुए हैं, हमारी माता जी के बयान अलग हुए हैं, पीड़िता के बयान अलग हुए हैं और पीड़िता की माँ के बयान अलग हुए हैं, पीड़िता की बहन के बयान अलग हुए। पीड़ित लड़की ने इंडिया न्यूज से कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे पापी विधायक को मौत की सजा दी जानी चाहिए। आप लोगों को बहुत सताया है, पापा को मरवा डाला, मार डाला इन तीनों भाइयों ने, तीनों लोगों ने मिलकर मार डाला है अरुण सिंह, कुलदीप सिंह, अतुल सिंह। सीबीआई की एक टीम पीड़ित लड़की के गांव माखी पहुंची और पूरे गांव में जांच पड़ताल की, पीड़ित के घर का मुआयना किया। साथ ही आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसकी मददगार शशि सिंह के घर पर छानबीन की गई। सीबीआई के अफसरों ने आसपास लोगों से जानकारी भी ली। सीबीआई की एक टीम जो है वो पीड़िता के गांव पहुंची हुई है। ये देख सकते हैं पीड़िता का घर है और ये सीबीआई की टीम आप देख सकते हैं। एसपी सीबीआई राघवेंद्र बख्श सिंह के नेतृत्व में ये पूरी टीम जो है इस समय देख सकते हैं हम बाकायदा देख रही है। जो पुलिस के लोग हैं वो बाकायदा असिस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर विधायक का घर कौन सा है, पीड़िता का घर कौन सा है। अभी भी सीबीआई की टीम ने नीम का पेड़ भी पूछा है यहां पर, ठीक वो आप देख सकते हैं सामने जो नीम का पेड़ है उसके बारे में जानकारी ली गई है। और यहां पर जो पीड़िता का घर है जिस पर ताला बंद है वहां पर उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ली। जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि एक एक बारीक से बारीक चीजों की जानकारी जो है वो टीम की तरफ से ली जा रही है, बारीक से बारीक बातों की जानकारी जो है वो टीम की तरफ से ली जा रही है। और ये पूरी कोशिश है सीबीआई टीम की हर जानकारी ली सके। यहां पर सीबीआई की टीम ने अब शशि सिंह का भी मकान पूछा है कि आखिर वो मकान कौन सा है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी हो रही है। एक एक मकान के बारे में यहां पर जानकारी ली रही है, जिन जिन शख्स का स्पेशल रूम से नाम लिया जा रहा है उसके बारे में पूरी तरह से यहां पर टीम ने जानकारी ली है। पीड़िता से बात करने के बाद सीबीआई की टीम यहां पहुंची है और हर बारीक बातों की यहां पर जानकारी ली जा रही है। एमसन गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, माखी। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो उन्नाव गैंगरेप केस में पिछले कई दिनों से कुछ बोलने से बच रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन वो भी जब सीबीआई ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। अब सीएम योगी कह रहे हैं कि अपराधी अगर विधायक भी हुआ तो क्या हुआ, सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार के संज्ञान में मामला आते ही 9 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था। हम लोगों ने तत्काल एसआईटी गठित करके इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की।
एसआईटी की रिपोर्ट में जो पुलिस कर्मी और जो चिकित्सक दोषी पाए गए थे उनके निलंबन की कार्रवाई करते हुए पूरे प्रकरण को हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया है। अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने की जो हमारी प्रारंभ से ही नीति रही है, हमारी सरकार इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। अपराधियों से भी, चाहे वह कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों न हो, बहुत सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। सीएम योगी चाहे जो कहे, लेकिन कांग्रेस ने सवाल किया है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर टिप्पणी नहीं की होती तो क्या आरोपी विधायक की गिरफ्तारी होती। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु संघी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने योगी सरकार की जगह अजय सिंह बिष्ट की सरकार कहा। अजय सिंह बिष्ट सीएम योगी का मूल नाम है। नंबर एक, क्या ये सही नहीं है कि कुलदीप सेंगर को किसी रूप में कस्टडी में न लिया गया न लिया जाता। अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया होता तो बिष्ट सरकार ने क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के टिप्पणियों के पहले तुरंत अरेस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया? कांग्रेस आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी और यूपी सरकार पर हमलावर है तो उधर आज बीजेपी ने दिल्ली में आधिकारिक तौर पर उन्नाव कांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बीजेपी की महिला प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी सामने आई, लेकिन उन्होंने पीड़ित पर इशारों ही इशारों में सवाल खड़े कर दिए और कहा कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने विधायक का नाम क्यों नहीं लिया था। घटना जो है उन्नाव वाली करीब 10 महीने पहले की है और 10 महीने पहले 11 जून को 2017 को ये पीड़िता गायब हुई थी। तो एक युवती है, घर से अगर निकल जाए, चली जाए, कुछ भी हो जाए तो जाहिर तौर पे वो पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है, मिसिंग कंप्लेंट। तो पीड़िता के परिवार ने शुभम और अवदेश नाम के दो लोगों पर ये केस दर्ज किया। तो 11 जून से 21 जून तक ये घर नहीं थी और जब ये 21 जून को वापस आई तो 22 जून को तुरंत कार्रवाई के मुताबिक पुलिस ने इनका बयान मैजिस्ट्रेट के सामने करवाया। मैजिस्ट्रेट के बयान के दर्ज होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया कि अगवा करने वाले कौन थे और उनके साथ संबंध रखने वाले कौन लोग थे। उस बयान में विधायक का नाम नहीं दिया। जून के महीने की शुरुआत में एक नया मोड़ आया कि जुलाई में उन्होंने, मतलब जून और जुलाई के बीच पीड़िता ने प्रधानमंत्री और आदित्यनाथ जी को चिट्ठी लिखी और विधायक कुलदीप सेंगर के ऊपर रेप का आरोप लगाया। 30 अक्टूबर को विधायक समर्थकों ने पीड़िता के परिवार पर मानहानि का केस किया क्योंकि उनको लगा कि भाई इन्होंने जब मैजिस्ट्रेट के आगे बयान दिया था तब तो नाम नहीं लिया, अब ये बदनाम करने के लिए हमारे को जो है केस कर रही है, तो मानहानि का केस हुआ। आपस में झगड़ा दो साइड के बीच में और इसी प्रकार से फिर मारपीट हुई। जो पीड़िता के पिता हैं वो 3 अप्रैल को वापस आ रहे थे घर तो आपस में मारपीट हो गई। जब मारपीट होती है तो उनके ऊपर आमजाक का केस लगा। आमजाक के केस के अंदर आपसी रंजिशों का ये नतीजा। अब हम चलते हैं पीड़ित के गांव माखी, जहां का रियलिटी चेक हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने किया है। इस समय मैं माखी गांव में हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां आसपास के हालात किस तरह से हैं। आप देख सकते हैं कि यहां दुकान खुली हुई है, लोग यहां पर आपको खड़े हुए दिख जाएंगे, अपने लोग सामान्य जो दिनचर्या है वो करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। यहां पे आसपास के जो लोग हैं आपको दिखाई दे जाएंगे। देख सकते हैं यहां पे जो लोग हैं शायद इसी गांव के हैं। आप इसी गांव के ही रहने वाली हैं? इस घर में रहते हैं। क्या ऐसे ही बात चल रही है कि लोग डर से अपना घर बंद करके, ताला बंद करके चले गए? नहीं, कोई नहीं ताला बंद करके है। सब लोग अपने गांव में ही रहे? सब लोग अपने गांव में हैं। किसी प्रकार का कोई डर? कोई डर नहीं। और भी आगे जो घर हैं वो खुले हुए हैं, इधर के भी जो घर वगैरह हैं खुले हुए हैं, उधर भी आप छत पे देख सकते हैं कुछ महिलाएं खड़ी हैं जो आपको दिख जाएंगी। और अगर मैं इधर थोड़ा आगे चलूंगा तो इधर भी जो घर हैं वो आपको खुले हुए दिख जाएंगे। तो जाहिर है कि कई सारे चैनल जो हैं वो भ्रामक खबर भी चला रहे हैं कि पूरे घर को यहां पर लोग विधायक के डर से निकल करके भाग गए हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी घर से गुजरे वो घर के दरवाजे आपको खुले दिखेंगे। यहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपको साइकिल चलाते हुए दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये तुम्हारा ही घर है या किसी दूसरे का? मेरा। तुम्हारा ही है? सब लोग घर में रह रहे हैं? हाँ। कुछ दिक्कत परेशानी? नो।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मतलब ऐसा कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये कहा जाए कि लोग विधायक के डर से गांव छोड़ करके चले गए हों, क्योंकि हर घर मुझे यहाँ पर खुला दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी अपने घर के सामने बैठे हुए, इनके भी घर का दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। मेरे इस तरफ भी आप देख सकते हैं ये घर का दरवाजा इनका भी खुला दिख रहा है, ये भी अपने घर के सामने बैठे हुए हैं। एक सामान्य जो दिनचर्या है वो सबकी गुजर रही है। ठीक मेरे दाहिनी तरफ भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक दादा है जो बैठे हुए हैं अपनी खाट पे और उनके भी घर का दरवाजा खुला है। लोग गेहूं की कटाई समय चल रही है तो हुआ दिख जाएगा, लेकिन जो और चैनल भ्रामक खबर चला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो ताला लगा करके चले गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिख जाएंगे जो कि पीड़िता के घर के आसपास हैं, और भी सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे अपनी ड्यूटी करते हुए मुस्तैद। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि माखी गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जिसके जरिए से ये कहा जाए कि गांव जो है वहां पे कुछ असामान्य हालत हो। सारे गांव के दरवाजे खुले हुए हैं, कहीं पर भी ताला नहीं लगा हुआ है और हर गांव का व्यक्ति जो है अपना सामान्य दिनचर्या गुजार रहा है। कैमरा गौरव के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़।